जिंदगी अनमोल होती है, चाहे वो इंसान की हो या फिर जानवर की। ऐसे ही डूंगरपुर के देवड़ा ब्लॉक के गांव कोलखंडा खास में एक बंदर के छोटे से बच्चे को कई कुत्तों ने घेर लिया और घायल कर दिया। वहीं सुबह में गांव के ही राहुल यादव, जो कि मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उन्होंने बंदर को कुत्तों से छुड़वाया और इलाज करवाया और उन्हें वापस बंदरों के झुंड में छोड़ दिया। उनका यह काम सराहनीय है। आपको बता दें कि राहुल बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। सुबह मैं मॉर्निंग वॉक से आ रहा था और जैसे आ रहा था मैंने देखा कि मतलब बहुत से कुत्ते हैं वो बंदर को दबोच रहे थे। बंदर का बच्चा छोटा सा था और फिर मैंने देखा कि बहुत से कुत्ते थे, तो फिर मैंने पहले तो उन कुत्तों को भगाया, उसके बाद फिर मैंने बंदर को अपनी ओर निकालने की जाड़ियों से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बंदर उल्टा मेरे पे मतलब मेरे को काटने की मेरी ओर आ रहा था। मैंने देखा कि फिर भी मैंने कोशिश करी और उसको पकड़ा, फिर गोदी में उठा करके फिर मैं ले गया और फिर मैंने देखा बहुत मतलब पानी वगैरह डाला, फिर डॉक्टर को भी फ़ोन करा, फिर देखा मैंने वो धीरे धीरे होश में आ रहा था, फिर उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराया और फिर मैंने देखा कि यदि उसको मैं अपने पास रखूँगा तो ये और भी थोड़ा सा वो ज़्यादा घायल हो गया था। उसका एक हाथ है वो थोड़ा सा टूट मतलब यहाँ से मांस पूरा निकल गया था, फिर मैंने सोचा कि उसको उसके वापस उसके झुंड में ही रखना ठीक रहेगा। फिर मैंने उसको थोड़ी देर ठीक रखा, फिर मुझे लगा कि अभी ठीक हो जाएगा, तो फिर मैंने वापस बंदरों के झुंड में इसे छोड़ दिया। और जब तक मैं उसको पकड़ के रखा था, बंदरों का झुंड मेरे पीछे पीछे था, मुझे लगा कि उसको इसके उनके पास में वापस रख देना चाहिए, और मैंने उनको उस बंदर को वापस उसके पास में रख दिया। और फिर मुझे अच्छा लगा कि मैंने ये सब किया। और थैंक यू।